गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देश और दुनिया के इतिहास में 29 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। 29 अक्टूबर के ही दिन सन 1911 में अमेरिकी संपादक और प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का निधन हुआ था। इसी इन्हीं की याद में पुलित्जर अवार्ड जो है वो दिया जाता है पत्रकारिता में। सन 1923 में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के ऐलान के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र ने अपने पैर जमा लिए थे और आज ही के दिन देश गणराज्य बना था। आज ही के दिन जो देश है हमारा तुर्की कंट्री जो है, ये 1923 में गणराज्य बनी थी। सन 1985 में मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था। सन 1999 में आज ही के दिन आए चक्रवात ने पूर्वी भारत के तटीय प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया था। सन 2005 में दिल्लीवासी दीपावली के दो दिन पहले त्यौहार की गहमा गहमी में डूबे हुए थे, तभी शहर में एक ज़ोरदार धमाका हुआ सरोजनी नगर के बाजार में। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा आज की डेट में क्या हुआ था। 29 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटना हुई थी। अब हम देख लेते हैं, वापस करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी एक बहुत अच्छे कवि थे, लेखक थे, तो उनके नाम पर किस कवि एक नाम है इनका, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनके नाम पर कौन से चौराहे का नाम रखा गया, किस देश में एक चौराहे का नाम रखा गया। ऑप्शन आपका पोलैंड, चीन, रूस या फिर जापान। हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। ऑप्शन है प्लस पोलैंड, चीन, रूस या फिर जापान। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। चलिए, इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड के वोक्राक शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लिखा हुआ था। हरिवंश राय बच्चन दिल्ली हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी मधुशाला। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। क्या रहने वाला है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। चलिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिली है कि यूपी सरकार जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाली पहली राज्य बन गई है। साथ ही साथ में इसमें 7 लाख से अधिक वेंडर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं यूपी में। और साथ ही साथ में ये जो योजना है ये पूरी तरह से टेक्निकल योजना है, मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, पूरी तरह से डिजिटल योजना है। किसी प्रकार का पेपर वर्क इसमें नहीं करना पड़ेगा जो पैकेज का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए ये
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास एमी कोनी बैरेट, प्रमिला जायसवाल, कमला हैरिस या फिर सारा पालन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन किया गया अमेरिका में, आपको बताना है वो कौन है। चलिए इसका आंसर है एमी कोनी बैरेट। अमेरिका में आम चुनाव के एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ग्रुप में शपथ ली। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट पड़े और विरोध में 48 वोट पड़े थे। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगी चीज़ें, यहाँ पे कि 27 अक्टूबर 2020 को एमी कोनी जज एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। उनके पक्ष में 52 वोट पड़े थे और विरोध में 48 वोट पड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है, आपको बताना है। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। चलिए इसका आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने साल 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में एक योजना चालू की जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किसानों को बिजली मिलेगी। किस चीज़ के लिए? सिंचाई करने के लिए, अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए 5 से लेकर 9 बजे तक बिजली जो है वो मुफ्त मिलने की यहाँ पे स्कीम रखी है। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली? ऑप्शन है प्लस नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? चलिए इसका आंसर है भारत। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली। चलिए कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं इस बारे में। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। चलिए आगे बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 अक्टूबर या फिर 12 मई। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को
हस्ताक्षर किए गए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर सरकारी संगठन भी है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। साथ ही साथ में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, चार्टर मतलब कानून की बात है यहाँ पे, ये 1945 से बन गया था 26 जून को। 26 जून को ये जो बन गया था, 26 जून को 1945 को हस्ताक्षर कर दिए गए थे, परंतु लागू कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू किया था। तो इसी की याद में, इसी के लिए 24 अक्टूबर से लगातार हर साल हम संयुक्त राष्ट्र दिवस, संगठन दिवस जो है मनाते चले आ रहे हैं 24 अक्टूबर को 1945 के बाद से। निम्न में से कौन सा देश इसराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? चलिए इसका आंसर आपको देना है। निम्न में से कौन सा देश जो है वो इसराइल को मान्यता देने में संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? ऑप्शन है आपका कतर, इराक, सूडान या फिर ईरान। चलिए इसका आंसर है सूडान। सूडान संयुक्त राज्य अमीरात, अरब अमीरात और बहरीन को इसराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता कराया। समझौते के मुताबिक बहरीन, यूएई और इसराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। तीनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक सूडान और इसराइल के बीच संबंध सामान्य करने और टकराव खत्म करने के लिए भी आपसी सहमति बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों को संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ताइवान, भारत, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित मंजूरी दे दी है, बिक्री को लेकर मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी। उनका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वही ताइवान की सक्रियता को देखते हुए चीन ने भी अपने सामरिक तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताइवान बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 अरब डॉलर लागत वाली 135 SLMAER मिसाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। चलिए हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने? ऑप्शन है आपके पास जिम्नेश खेर, प्रभुराम टंडन, वाविल राम कलावन या फिर गणेश कोकिल। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उन्हें क्या रहने वाला है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं? चलिए इसका आंसर है वाविल राम कलावन। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के वाविल राम कलावन को जीत मिली है। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। इस आम चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें राम कलावन की जीत हुई और उन्हें देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस बार चुनाव में करीब 75% मतदान हुआ, जबकि देश की आबादी 10 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सेशल्स एक छोटा देश है, वहाँ पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चुने गए हैं कौन, वाविल राम कलावन जी। हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसको बोला जाता है, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है आपका 53वां, 59, 43 या फिर 65। 24 अक्टूबर को ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? चलिए इसका आंसर है 24 अक्टूबर को 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो
तिब्बत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको बुलाया जाता है ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी को वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इसमें मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान भी हैं। आईटीबीपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के 5 शाखाओं में से एक है। यह उत्तरी सीमा पर निगरानी कर रखता है और सीमा उल्लंघन को रोकता है। इसका मेन काम यही है। यह अवैध आवागमन सीमा पार से तस्करी की जांच करता है और साथ ही साथ में शांति बनाए रखने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आईटीबीपी का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पुरुष कर्मी भी अब बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि महिलाओं को ही बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां मिलती थी। केंद्र सरकार ने नया फैसला लिया। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी बाल देखभाल अवकाश, जिसको चाइल्ड केयर लीव CCL बोलते हैं, का हकदार बनाया है। यह निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधारों की कड़ी में लिया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के क्रम में ये बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव CCL का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए हैं जो माता पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा भी हैं। दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी कुछ बातें यहाँ पे केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक और सुधार में बताते हुए कहा कि अब दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कोई सरकारी कर्मचारी कभी भी चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। पहले इसके लिए बच्चे की अधिकतम समय 22 वर्ष थी, परंतु अब इसको बढ़ा दिया गया है कि आपका उम्र हमेशा, जब तक आपका बच्चा जो है 22 साल के बाद भी अगर दिव्यांग है तो उसके केयर के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं। अब चलिए, चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे बिहार में चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम क्या है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार चुनाव 2020 में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2020 के बीच होंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी और साथ ही साथ 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिले की 71 विधानसभा सीटों का चुनाव होगा। दूसरे चरण का चुनाव जो है 3 नवंबर को होना है। दूसरे चरण में 17 जिले 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाले हैं। तीसरे चरण का चुनाव जो है 7 नवंबर को होगा, और तो 15 जिले और 78 विधानसभा चुनाव में वोटिंग होनी है। ईवीएम क्या है देख लेते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हमेशा ही एक जटिल प्रक्रिया रही है। इसे सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम के रूप में भी जाना जाता है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। ईवीएम का लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था? भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सन 1982 में केरल में शुरू हुआ था। पुरानी कागज मतदान प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जो कागज प्रणाली है, जो वैलेट पेपर जिसको बुलाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि एक एक वैलेट पेपर को गिना जाएगा, छांटा जाएगा, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। दो दो तीन तीन दिन लग जाते थे, और जहाँ तक ज़्यादा होता था एक एक हफ्ता तक लगता था रिजल्ट आने में। ईवीएम की वजह से क्या होगा, ज़्यादा समय नहीं लगना है और रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर हो जाता है। अब देख लेते हैं ईवीएम काम कैसे करता है। ईवीएम के दो हिस्से होते हैं। इसमें से एक हिस्सा नियंत्रण के रूप में काम करता है, जो मतदान अधिकारी के पास होता है। वही इसका दूसरा हिस्सा जो होता है मतदान इकाई के रूप में काम करता है, जिसे मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। सबसे पहले मतदान अधिकारी मतदान बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदान कक्ष में उपस्थित मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चुनाव उसके पार्टी चिन्ह के सामने लगे नीले बटन को दबा करता है। मशीन के दोनों ही भाग एक लंबे इलेक्ट्रॉनिक तार से जुड़े होते हैं। ईवीएम मशीन के बटन को एक ही बार दबाया जा सकता है, क्योंकि मतदान केंद्र पर उम्मीदवार के नाम के आगे के बटन को एक बार दबाने के बाद ये मशीन बंद हो जाती है। यदि कोई मतदाता दो बटन एक साथ दबाने का प्रयास करता है तो मतदान दर्ज नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आ रही है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजा है और इंसानी बस्तियों को बसाने में इससे सहायता मिलेगी।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। ये बहुत बड़ी बात है कि चंद्रमा की सतह पर ये पानी सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में खोजी गई हैं। इससे चांद पर जीवन की उम्मीदें एवं मजबूत हो गई उम्मीदें जो है वो मजबूत हो गई हैं। नासा ने इस दिशा में लंबे समय से खोज कर रही चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि की घोषणा कर दी है। इस खोज से साफ हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह पर विकसित किया जा सकता है और यह सिर्फ ठंड या छाया वाले स्थानों तक सीमित नहीं है। पानी की खोज नासा की स्टेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसका नाम सोफिया है, ने किया है। नासा की खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को बड़ी मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ मानव बस्ती बनाने के लिए जो नासा अपना प्लान कर रहा है उसमें भी फायदा मिलने वाला है। दक्षिणी गोलार्ध में मिला था पानी। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गहरे गड्ढों में एक केलिवेसर क्रेटर में पानी के अणु H2 का पता लगाया है। पहले हुए अध्ययनों में चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता चला था, लेकिन पानी और हाइड्रोक्सिल OH की खोज नहीं हो सकी थी। फायदा क्या होने वाला है इससे? इस खोज से भविष्य में स्पेस मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी, बल्कि इसका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा। नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय ने इसके बारे में क्या कहा? नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय में एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के निदेशक पॉल हर्ट्स ने कहा कि पहले ऐसे संकेत थे कि चंद्रमा की सतह पर सूर्य की ओर से H2O हो रहा है और इसे वह खोज लिया गया है। इस खोज के बाद चांद के बारे में अध्ययन में और आगे हमको बढ़ोतरी मिलने वाली है। पानी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, ये भी यहाँ पे नेचर एस्ट्रोनॉमी के ताज़ा अंक में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थान के डेटा से 100 से 412 पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चला है। यदि इस पानी की तुलना की जाए तो उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। आगे बात करेंगे, 2024 तक इंसानों को पहुंचाना चाहता है नासा। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद की सतह पर 2024 तक इंसानों को पहुंचाना चाहता है। इसके जरिए चांद की सतह पर मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वही चांद पर मौजूद इंसान उन क्षेत्रों को पता लगाएंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था या जो अब तक अछूते रह गए थे। दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।